भोजपुरी और हिंदी एक्टर रवि किशन इन दिनों अपर्णा ठाकुर नाम की महिला के दावे के कारण सुर्खियों में आ गए हैं। अपर्णा ने रवि किशन को अपनी बेटी का पिता बताया था। इसी मामले में भोजपुरी और हिंदी सिनेमा के सितारे रवि किशन को मुंबई के कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। खुद को रवि किशन की बेटी बताने वाली 25 साल की महिला शिनोवा ने कुछ वक्त पहले एक्टर के डीएनए टेस्ट की मांग की थी। हालांकि अब मुंबई के सेशन कोर्ट ने शिनोवा की इस अपील को खारिज कर दिया है। शिवोना ने दावा किया था कि रवि किशन ही उसके बायोलॉजिकल यानी जैविक पिता हैं। हालांकि गुरुवार 25 अप्रैल को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान रवि किशन ने अपने वकील के हवाले से इससे इनकार किया था। वहीं सुनवाई के दौरान रवि किशन की ओर से पेश वकील अमित मेहता ने दलील दी कि शिनोवा नाम की महिला के साथ एक्टर का कोई रिश्ता नहीं है। वह उनकी बेटी नहीं है। वकील ने यह भी कहा कि रवि किशन की शिनोवा की मां अपर्णा ठाकुर से जान पहचान थी। दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे पर कभी भी किसी रिश्ते में नहीं रहे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने शिनोवा की डीएनए टेस्ट की अपील खारिज करते हुए कहा कि उसकी मां और रवि किशन का कोई पारिवारिक संबंध नहीं था, ऐसे में यह केस नहीं बनता। हालांकि अभी कोर्ट की तरफ से पूरे आदेश को जारी नहीं किया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिनोवा और उसकी मां अपर्णा ठाकुर ने दावा किया था रवि किशन ही शिनोवा के बायोलॉजिकल पिता हैं। शिनोवा ने एक्टर के डीएनए टेस्ट की मांग की थी और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर कर पीएम मोदी व योगी आदित्यनाथ की मांग की थी। शिनोवा ने यहां तक दावा किया था कि उसके पास सबूत हैं जिनसे वह साबित कर सकती है कि रवि किशन उसके ही पिता है। फिलहाल इस मामले में रवि किशन को कोर्ट से राहत मिल गई है।